हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। WWE वर्ल्ड में एक ऐसा एंटरटेनमेंट बन गया है जिसके बच्चे तो बच्चे बट हर उम्र के लोग बहुत बड़े फैन हैं। ये गेम एक्शन और रोमांस से भरा हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ सबके अलग अलग पसंदीदा सुपरस्टार हैं। इस चमक दमक वाली दुनिया में इतने फैंस में नाम बनाना आसान नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने अभी 2017 में स्मैकडाउन में डेब्यू करा है, बट जिस तरह से ही रेसलर की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है उससे लगता है कि ये बहुत आगे तक जाएंगे। आज हम बात करेंगे WWE में एक अलग ही स्टाइल के लिए मशहूर शानदार एक्टिवनेस, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपोनेंट पे हावी होने वाले जैपनीज रेसलर शिंसुके नाकामुरा की। जी हाँ, 2002 में न्यू जापान प्रो रेसलिंग में अपनी शुरुआत के तुरंत बाद नाकामुरा को स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड ओवरऑल टेक्निकल स्किल्स के कारण उन्हें दूसरा नाम सुपर रूकी दिया गया। ये वैले टुंडो में ट्रेंड है, ये मिक्स मार्शल आर्ट्स भी बखूबी जानते हैं। अंडरटेकर की तरह नाकामुरा एज के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। उन्होंने साल 2010 में बहुत इंपॉर्टेंट पहचान हासिल करी। उन्हें 2014 में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से रेसलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। शिंसुके नाकामुरा का रियल नाम शिंसुके नाकामुरा ही है, बट वो रिंग में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिसमें किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल, सुपर रूकी, चाइल्ड ऑफ गॉड, सुपर नोवा है। ये जापान के क्योटो शहर में 24 फरवरी 1980 में जन्मे। इनकी वाइफ का नाम हारुमी माइकावा है, जिससे उनकी शादी 2007 में हुई थी। इनकी हाइट करीब 6 फुट 2 इंच है। वजन की बात करें तो 104 किलोग्राम है। अब बात करते हैं इनके प्रो रेसलिंग में डेब्यू की। इन्होंने NJPW न्यू जापान प्रो रेसलिंग में 2002 में, WWE NXT में 13 अप्रैल 2016 और WWE स्मैकडाउन में 4 अप्रैल 2017 को मेन रोस्टर में डॉल्फ जिगलर के खिलाफ आगाज किया। इनकी हॉबी डांसिंग और इनके फेवरेट WWE रेसलर समोआ जो और एजे स्टाइल हैं। नाकामुरा ने 2016 में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पर वो 2006 में 10 साल पहले WWE में शामिल होने की कगार पर थे, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा और ब्रॉक लेसनर ने NJPW एक ही समय पे छोड़ा। इसके बाद NJPW ने शानदार प्रमोशन के साथ नाकामुरा को वापस बुलाया और वो NJPW को मना नहीं कर सके। नाकामुरा द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बहुत करीबी दोस्त हैं। दोनों ने जापान में एक समय में पर्सनल जिम में एक साथ ट्रेनिंग ली थी। नाकामुरा WWE में जिस मूव का इस्तेमाल करते हैं वही वो NJPW में इस्तेमाल करते थे, बट वहाँ नाम बोमाय था और WWE में किंशा। नाकामुरा ने NJPW में 5 बार इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को होल्ड करा था। ये NJPW में किसी भी रेसलर द्वारा सबसे ज़्यादा था। 2012 में शिंसुके को एक मेन लीग बेसबॉल गेम के लिए उद्घाटन में पिच पे फर्स्ट बॉल को बाहर फेंकने के रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से बेसबॉल गेम में पहली बॉल को पिच से बाहर करना एक ओनर्ड सेलिब्रिटी का चक्कर था। ये बहुत बड़ा सम्मान था, पर ये अभी काफ़ी नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स में नाकामुरा के स्टार होने से। वह 2013 में मेगा हिट म्यूजिक एल्बम हैप्पी में मेन रोल की भूमिका में थे। नाकामुरा 18 जून 2017 को होने वाले WWE मनी इन द बैंक जैसे बड़े मैचेस का हिस्सा होंगे। अब बात करते हैं उनके टाइटल और अचीवमेंट्स की। तो 3 times IWGP हैवीवेट चैंपियन, 5 times IWGP इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 1 time IWGP टेस्ट टीम चैंपियन, प्रो रेसलिंग PWI मोस्ट पॉपुलर रेसलर 2016 का अवार्ड, 2 times NXT चैंपियन। मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी उनके नाम काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब बात करते हैं नाकामुरा के फिनिशिंग मूव्स की। तो उसमें किनशासा, क्रॉस आर्मबार, लैंडस्लाइड। वहीं सिग्नेचर मूव में शिंसुके नाकामुरा के तरकश में बहुत मूव्स हैं। डेथ वैली ड्राइव, डबल नी बैक ब्रेकर, डबल अंडर हुक पाइल ड्राइव, फींड राउंड हाउस किक, फ्रंट स्लीपर होल्ड, जर्मन सुप्लेक्स, इन्वर्टेड पावर स्लैम, नी ड्रॉप, रनिंग नी स्ट्राइक। उम्मीद करते हैं WWE में नाकामुरा जल्द ही एक WWE टाइटल के साथ दिखें और खूब नाम कमाएं। ये थी नाकामुरा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक मारो यार। न्यू हैं अगर इस चैनल पे तो नाकामुरा के सारे मूव्स निकाल के सब्सक्राइब बटन पे मारो। उम्मीद करता हूँ 251 लाइक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।